YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं भिन्न के टॉपिक के साथ, फ्रैक्शन के टॉपिक के साथ, और ये जो टॉपिक है वो दिल्ली पुलिस और रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भिन्न के टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे अगर ये 3/4 है, तो दोस्तों अगर ये 3/4 है तो इसमें जो ऊपर आता है वो तो आता है अंश, और जो नीचे जो आता है वो क्या आता है, हाँ। तो मेरे कहने का मतलब कोई भी भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है, यानी कि 3/4 है तो 3 तो अंश है और वो ये जो 4 जो है ये क्या है, हाँ। तो ये भिन्न होगी 3/4। अब इसके बाद में अगर अपन भिन्न की बात करें तो दोस्तों भिन्न दो प्रकार की होती है। सबसे पहली भिन्न साधारण भिन्न, सबसे पहली भिन्न जो होगी वो कौन सी होगी, साधारण भिन्न, और उसके बाद में दूसरी जो भिन्न होगी वो होगी दशमलव भिन्न। तो पहली भिन्न साधारण भिन्न और दूसरी जो भिन्न होगी वो दशमलव भिन्न होगी। तो इस तरीके से दो प्रकार की भिन्न होगी। अब इस साधारण भिन्न में भी तीन प्रकार की भिन्न होती, और वो जो तीन प्रकार की भिन्न होती वो कौन कौन सी होती है, एक तो उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न और एक मिश्र भिन्न। तो साधारण भिन्न में तीन प्रकार की भिन्न होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तो सबसे पहले अगर अपन 3/4 लेते हैं, 2/3 लेते हैं और इसी तरीके से 9/13 लेते हैं, इसके बाद में अपन 4/3 लेते हैं, 3/2 लेते हैं और 13/9 लेते हैं। इसी तरीके से अगर अपन 1/2/3 लेते हैं, 2/3/4 लेते हैं और 5/1/5 लेते हैं। तो दोस्तों उचित भिन्न का मतलब क्या हो गया कि दी गई भिन्न में अंश, अंश का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, अंश जो है वो हर से छोटा, अंश हर से क्या हो, छोटा। जैसे आप 3/4 ले रहे हो, तीन जो है ये 4 से छोटे हैं, तो ये 3/4 से छोटा है, इसका मतलब ये जो भिन्न है उचित भिन्न है। 2/3 ले रहे हो, 2/3 से छोटा है, तो ये जो भिन्न है ये उचित भिन्न है। इसी तरीके से 9/13 ले रहे हो, ये 9/13 से छोटा है तो ये उचित भिन्न है। तो मेरे कहने का मतलब अंश आपसे छोटा हो तो भिन्न उचित। उसके बाद में अगर अंश आपसे बड़ा हो, अंश आपसे क्या हो, बड़ा हो, यानी कि अंश आपसे बड़ा हो, ये 4/3 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 13/9 हो गया, तो 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से और 13 बड़ा है 9 से, तो इसका अंश आपसे बड़ा हो तो वो जो भिन्न होगी वो अनुचित भिन्न होगी। उसके बाद हम मिश्र भिन्न का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से अगर अनुचित भिन्न को अपन सोल्व कर देते हैं तो वो जो प्राप्त होता है वो मिश्र भिन्न प्राप्त होती है। कि जैसे ये 1/1, 2/3 का मतलब क्या हो गया कि एक बार तो उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा चला गया, बाद में से इसमें जो बच गया वो कितना बच गया भाई, 2 बच गया। 2/3/4 का मतलब क्या कि दो बार तो पूरा पूरा चला गया, बाद में जो शेषफल बच गया वो कितना बच गया, 3। और 5/5 का मतलब क्या हो गया कि 5 बार तो पूरा पूरा चला गया, बाद में जो शेषफल बच गया वो क्या हो गया, 1। तो इस तरीके से उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। फिर दशमलव भिन्न भी है, वो दो प्रकार की होती, एक तो शांत दशमलव भिन्न और एक अशांत दशमलव भिन्न। तो एक तो शांत होगी और दूसरी क्या होगी, अशांत। तो इसका मतलब शांत और अशांत, तो शांत का मतलब क्या हो गया कि अगर ये 3.2 लिख दिया या 1.42 लिख दिया तो इसका मतलब जो भाग जाना होता है, जिस हद तक जाना होता है भाग को वहां तक चला जाता है, लेकिन अशांत में क्या है कि यहां पे हदें पूरी नहीं होती। जैसे 0.2 पे बार है, 0.13 के ऊपर ऐसे टिंकी लिख दी जाती है, ये भी क्या है, बार है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो हो गया है ये अशांत दशमलव भिन्न होगी। अब ये जो अशांत दशमलव भिन्न का मतलब क्या हो गया कि 0.2 के ऊपर बार है तो 0.2222 इस तरीके से आता रहेगा। अब ये चीज तो आप लोगों ने देख ली,
अब इसके बाद में इसका पूरा विवरण जो है मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। सबसे पहले ये जो साधारण बिंदु है इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो साधारण बिंदु के बारे में अगर अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले साधारण बिंदु का जोड़ पढ़ेंगे या इनका जोड़ देखते हैं। तो इसका मतलब जोड़ देखते हैं, तो जोड़ में मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे अगर ये 3/4 आ जाए प्लस 5 से 1/2 आ जाए प्लस 3 से 1/3 आ जाए और प्लस 2 से 1/4 आ जाए। तो इसका मतलब ये जो भिन्न आ गई इसमें साधारण भिन्न भी आ गई और मिश्र भिन्न भी आ गई। अब इनका जोड़ करके देखते हैं तो इसका मतलब ये तो 3/4 का तो 3/4 रह गए। अब 5 से 1/2 है तो ये 5 से 1/2 ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 2 = 10 कितना हो गया 11/2 कितना हो गया 2 प्लस ये 3 × 3 = 9 क्या हो गया 10/3 और प्लस 4 × 2 = 8 क्या हो गया 9/4। अब इनका लेसर लेंगे 4, 2, 3 और 4 का लेसर लिया तो इसका इन सबका लेसर कितना आ गया 12 यानी कि इनका जो एलसीएम आ गया वो 12 आ गया। तो इनका एलसीएम 12 आ गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12 आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस लेसर में इस हर का बार देंगे तो इसका 12 में जैसे 4 का भाग गया तो 12 में जैसे 4 का भाग गया 3 भाग गया 3 को इस सुपर वाले 3 से गुणा किया 3 किया कितना हो गया 9 गया। फिर इस 12 में 2 का भाग गया 6 भाग गया और 6 को 11 से गुणा किया 11 6 फिर इस 12 में 3 का भाग गया 4 भाग गया 4 को 10 से गुणा किया कितना हो गया 40 और ये 9 × 3 कितना हो गया 27। तो मेरे कहने का इन सबका लेसर लिया एलसीएम लिया एलसीएम लेकर के उसमें हर का भाग दिया और हर का भाग देने के बाद में जितनी बार जाता है उसको अंश से गुणा कर दिया। अब आपने देखा 9, 66, 40 और 27 तो इसका मतलब 9, 66, 40 और 27 तो 66 और 40 कितना हो गया 106 हो गया और 106 और 36 यानी कि ये जो हो गया 106 और 36 ये जो हो गया 142 कितना हो गया 12 और 142/12 अगर इसको काटते हो ठीक है अगर इसको काटते हो तो 2 से काट सकते हो तो इसका मतलब 71/ कितना हो गया 6। तो इस तरीके से ये भिन्न का क्या हो गया जोड़ हो गया। तो ये भिन्न का जोड़ हो गया और जोड़ करने में क्या क्या ये मिश्र भिन्न थी इसको किस में कन्वर्ट किया साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न में कन्वर्ट करके फिर इनको क्या कर लिया ऐड कर लिया। इसके बाद में आगे बात आ जाए भिन्न के जोड़ के बाद में आगे जो बात आ जाए वो भिन्न के बाकी की बात आ जाए आखिर इनका बाकी कैसे करें जोड़ के बाद में भिन्न का क्या जाए बाकी आ जाए। तो इसमें मतलब बाकी की बात आ जाए तो बाकी कैसे करें तो इस बाकी में मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे अगर मान लो ये आ जाए 3 से 1/5 माइनस 2 से 1/2 माइनस 3/5 और माइनस 1/3 3 से 1/5 माइनस 2 से 1/2 माइनस 3/5 और माइनस 1/3 हो तो सबसे पहला क्या कि जो मिश्र भिन्न है उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। अब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 3 = 15 कितना हो गया 16/5 माइनस 2 × 4 = कितना हो गया 5/2 और माइनस 3/5 और माइनस 1/2 क्या हो गया 3। अब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लिया फिर जो है इनके जो नीचे है इनका जो हर है उनका लेसर लेंगे तो 5, 2 और 5 और 3 का लेसर लिया वो कितना आ गया 30 आ गया। अब 30 आ गया तो इस 30 में सबसे पहले 5 का भाग दूं 5 × 6 = 30 हो गया 6 भाग गया 6 को 16 से गुणा किया तो 16 × 6 कितना हो गया 96 हो गया 16 × 6 कितना हो गया 96। फिर ये जो 15 भाग गया 15 × 5 कितना हो गया 75 30 में 2 का भाग गया 15 भाग गया 15 × 5 75 हो गया 30 में 5 का भाग गया 6 भाग गया और 6 × 3 कितना हो गया 18 हो गया और इस 30 में 3 का भाग गया 10 भाग गया तो ये 10 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब 96 − 75 − 18 − क्या हो गया 10 तो 96 − 75 − 18 − 10 अब इनको जोड़ लोगे तो इसका मतलब माइनस माइनस के एक साथ जोड़ेंगे तो माइनस माइनस के एक साथ जोड़ेंगे तो आप लोग 75 में 18 जोड़ते तो 93 हो गए 93 हो गए 75 में जैसे 18 ऐड किया तो अपन ने ये जो आ गया 93 आ गया। अब 93 में 10 और ऐड किया तो 103 यानी कि 103 आ गए। अब 96 − 103 = कितना है 30
तो 96 में से माइनस 103 करेंगे तो इसका मतलब ये जो आ गया ये कितना आ गया 7/30, क्योंकि 96 में से 103 घटा है तो 7/ कितना आ गया 30 आ गया, तो इसका माइनस का 7/30। तो वही इनका क्या किया, साधारण मिश्र बिन को साधारण में कन्वर्ट किया, फिर इनका लैसे लेकर के फिर इनको क्या कर दिया सोल्व कर दिया। इसके बाद में आगे इस बाकी के बाद में आगे जो आता है वो इस बिन का अगर अपने को जोड़ करना हो, बिन का अगर अपने को क्या करना हो जोड़, तो बिन सॉरी जोड़ नहीं जोड़ तो कर लिए, गुणा करना हो तो गुणा करना हो, तो गुणा करना हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये आ जाए कि 3 से 2/5 गुणा 5/7 गुणा 21/17। तो इसका मतलब इनको अगर अपने को गुणा करना है तो वही मिश्र बिन को पहले तो साधारण बिन में, तो 5 3 15 तो कितना हो गया 17/5 गुणा 5/7 और गुणा 21/ कितना हो गया 17। तो 17/5 गुणा 5/7 गुणा 21/17 हो गया। इसमें क्या कुछ भी नहीं, इस मिश्र बिन को किसमें कन्वर्ट किया है साधारण बिन। अब आप लोग देख सकते हो 17 से तो 17 कटिए, 5 से 5 कट गया, 7 के कितना हो गया 21, तो इस तरीके से ये जो अपना आंसर आ गया वो कितना आ गया 3। तो इसका मतलब गुणे में जो होता है वो अंश 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 गुणा हो जाते हैं, हर 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 गुणा हो जाते हैं, और जिस अंश से कोई हर कट रहा है या कोई हर से कोई अंश कट रहा है तो उसको काट देंगे और फिर उसके बाद में शेष बचे उनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया 3 आ गया। इसके बाद में गुणा के बाद में आगे जो आ जाता है वो इसी भिन्न का जो आ जाता है वो भाग आ जाता है, भिन्न का क्या आ जाता है भाग। तो भिन्न का भाग आ जाता है, भाग को कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे मान लो अगर अपने पास 9/13 भाग 9/13 भाग 12/52 तो इसको सोल्व करना। तो दोस्तों भाग में क्या है, बाकी आगे लंबा भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, भाग में एक ही बात करनी है कि जो आगे वाला जो भिन्न है उसके पास जो भाग का चिन्ह है उसको गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट कर दो। गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट करने के लिए अंश को हर और हर को अंश, यानी कि भिन्न को बदल दो। अब भिन्न को बदलेंगे तो 9/13 था भाई और ये 12/52 था, तो 52 कितना हो गया 12 भाई, 12/52 था तो इसका 52 कितना हो गया 12। अब 13/4 कितना हो गया 52 हो गया और 4/3 कितना हो गया 12 और 3/3 कितना हो गया 9। तो इस तरीके से इसका आंसर भी कितना आ गया 3 आ गया। तो किया क्या कि ये 12/52 था तो इसका मतलब इस भाग को गुणा में बदलने के लिए अंश को हर और हर को क्या कर दिया अंश कर दिया और फिर ये 12/52 था इसको 52/12 करके और फिर इसको कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करने के बाद में आंसर कितना आ गया 3 आ गया। इसके बाद में भाग के बाद में आगे जो है वो अगर अपने को सारी चीजें एक साथ आ जाए, जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा और भाग सारी चीजें एक साथ आ जाए, तो उन क्वेश्चनों को रियल में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सरलीकरण के टॉपिक में, सिंपलीफिकेशन के टॉपिक में, और सिंपलीफिकेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा बोर्ड मास, और उस बोर्ड मास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनको कैसे सोल्व करना। तो बोर्ड मास में मैं बताऊंगा कि बी का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है और ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा बंधनी को, फिर छोटे को, फिर मझले को और फिर बड़े ब्रैकेट को, फिर उसके बाद में ओ का मतलब क्या हो गया, ऑफ ओ का मतलब का मतलब गुणा, का वाला गुणा मेन गुणे में डिफरेंस है। उसके बाद में डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या हो गया भाग, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, ए का मतलब एड, प्लस और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट बाकी। तो इस तरीके से बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, ये सरलीकरण में बताऊंगा मैं आपको विस्तृत रूप से। तो इसमें अगर एक क्वेश्चन अपन वैसे है तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। साधारण भिन्न की बात चल रही हुई, तो जैसे मान लो ये आ जाए 1/2 + 3/4 - 2 / 1/2 गुणा 5/7 भाग जो है वो अपने पास आ जाए 5/21, ठीक है। अब ये 5/21 आ गया, इनको अगर अपने को सोल्व करना तो सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, तो 1/2 + 3/4 - 2 × 4 में क्या हो गया 5/2, मिश्र बिन को साधारण बिन में कन्वर्ट कर गुणा 5/7
और भाग को गुणा में बदला तो 21 बटे कितना हो गया 5। मैंने बताया था आपको भाग को गुणा में बदला तो अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा अंश, और ये 5 से 5 कट गया, 7 से 21 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से 1/2 प्लस 3/4 प्लस यहाँ पे 5 से कितना हो गया 15 हो गया, 15 बटे कितना हो गया 2, वही इनका लेसन लिया 4 आगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी माइनस का चिन्ह। ठीक है, इनका लेसन लिया 4 आगे, अभी ये कितना आ गया 2 आ गया, भाई 4 में 2 का भाग दिया 2 बार के, फिर ये कितना आ गया 3 आ गया, और फिर ये माइनस का कितना आ गया 30। ठीक है, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 माइनस 30 यानी कि माइनस का क्या हो गया 25 बटे कितना हो गया 4। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया। तो मेरे कहने का मतलब भाग को गुणा में बदलना हो तो अंश को हर और हर को क्या कर देते हैं अंश, इसके अलावा नॉर्मल विधि से अपन इनको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।